हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच बहुत ही खास वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स लेकर आप सभी के बीच आ गई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मेरा सबसे पहला टिप्स क्या है। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा इस तरीके की दवाइयों को लेकर। देखिए, हम सभी के घरों में जब बच्चे होते हैं तो हम कभी भी बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो बच्चों की दवाइयाँ अक्सर कुछ ऐसे ज़रूरी सामान होते हैं जो हमें साथ लेकर जाने होते हैं। बट दवाइयों का क्या होता है कि हम पर्स में जब इस तरीके से रखते हैं तो डर रहता है कि कहीं ये लीक ना हो जाए और हमारी बाकी की जो चीज़ें हैं पर्स में वो ख़राब ना हो जाएँ। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं तरीका लेकर आई हूँ इसको किस तरीके से हमें लेकर जाना है साथ। तो देखिए, इस तरीके की रबड़ जो होती है हमारे से में हम इकट्ठे करके जो रखते हैं डिब्बी में, इस तरीके की हमें रबड़ बैंड ले लेनी है। तो ढक्कन को खोलना है और ढक्कन को खोलने के बाद हमें कम से कम 2 रबड़ इस पर चढ़ा देनी है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हमें ढक्कन को बंद करना है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ये दवाई की शीशी है ये एयर टाइट बन जाएगी और इससे दवाई बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। आप आराम से इसको पर्स में इसी तरीके से डालकर लेकर जा सकते हैं। तो ये देखिए, अभी ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपकी दवाई जो है शीशी से बाहर नहीं आएगी, लीक नहीं होगी। अभी ये तरीका सेम आप बच्चों के दूध की बोतल के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा पापड़ को लेकर। तो देखिए, पापड़ होते हैं तो हम जब इन्हें ड्राई रोस्ट करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से करने चाहिए, किस तरीके से नहीं। गैस पर हम डायरेक्टली करते हैं तो वो थोड़े से जले से हो जाते हैं, उनमें हल्की सी जलने की स्मेल भी हो जाती है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से पापड़ को आपको भूनना है और बिल्कुल आसानी से। तो आपको तवा ले लेना है, रोटी बनाने वाला कोई भी तवा ले लीजिए। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद गैस को मीडियम कर दीजिए और किसी भी कॉटन के कपड़े की हेल्प से इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से सेक लीजिए। ये देखिए, दोनों तरफ से लोट पलट कर सेक लीजिए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए ये। और जब इसका सारा कलर चेंज हो जाएगा, आपको लगेगा कि पापड़ आपका भुन गया है, तो मुलायम जब ये रहता है उसी टेक्सचर पर आपको इसको फोल्ड करना है। किस तरीके से करना है अभी आपको दिखाऊंगी। इससे आपका क्या होगा, पापड़ देखने में भी सुंदर लगेगा, आप किसी गेस्ट के सामने रखेंगे या बच्चों को देंगे, देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी एकदम क्रिस्पी बनेगा। आप इस तरीके से पापड़ भून सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपका पापड़ सॉफ्ट हो तभी आपको इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए, पापड़ का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको फटाफट से उठाएंगे और फोल्ड करेंगे। तो पापड़ बहुत गर्म होगा, इसको बहुत ध्यान से फोल्ड करना है। अगर आपसे हाथ से ना हो तो आप कपड़े की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप पापड़ को जिस तरीके की शेप दे देंगे पापड़ आपका उसी शेप में बन जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने कोन की शेप दी है। तो ये हमारे कोन की शेप के पापड़ तैयार हैं, बिल्कुल भी बिना जले और एकदम क्रिस्पी, ये देखिए। तो आप इस तरीके से पापड़ को भून सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा बच्चों की टी शर्ट और मिक्सी को लेकर। देखिए, बच्चों की जो टी शर्ट होती हैं जब वो छोटी हो जाती हैं, किसी यूज की नहीं रहती हैं, तो हम उन्हें अपनी रसोई में किसी भी काम में ले सकते हैं, या तो डस्टिंग में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चे की टी शर्ट से बना रही हूँ मिक्सी का कवर। देखिए, बिना सिले बिना कुछ भी करे इसमें। तो क्या करना है, इसकी जो फुल बाजू की ये टी शर्ट है, इसकी बाजू जो है हमें अंदर की साइड फोल्ड कर देनी है इस तरीके से। दोनों बाजू को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए निकाल लेना है। अब इससे हमें जो ऊपर का निक वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से राउंड शेप में टाइट करके गांठ लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, इससे एक डिज़ाइन बन जाएगा और ये मिक्सी का कवर बहुत सुंदर सा तैयार हो जाएगा। देखिए, बच्चों की जो टी शर्ट होती है छोटी छोटी, ये मिक्सी पर बिल्कुल एकदम फिट आएगी कवर के जैसी, और स्ट्रेचेबल होती हैं तो इनमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारा ये मिक्सी का कवर बिना सिले एकदम से तैयार हो गया है। तो आप इस तरीके से आपकी मिक्सी को सेफली रख सकते हैं, ना ही तो इस पर चिकनाई जड़ेगी। रसोई में जब हम डेली का काम करते हैं तो मिक्सी गंदी होने का डर रहता है, इस तरीके से आपकी मिक्सी सेफ रहेगी। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाजू को अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिए, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब सुई धागे की हेल्प से आप ऊपर से इसमें
प्लेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स डाल दीजिए तो भी आपका मिक्सी का सुंदर सा कवर एकदम तैयार हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरीके के चाकू को लेकर। देखिए हम सभी के रसोई में इस तरीके के काफ़ी सारे चाकू इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी की जो मतलब धार होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है और वो काटने के किसी काम के नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, कप को उल्टा करना है और उल्टे कप पर इस तरीके से इनको घिस लेना है। इससे आपके चाकू की जो धार है वो दोबारा से तेज हो जाएगी और आपके ये चाकू जो यूजलेस है वो यूज में आ जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक होती है, चाकू की धार जो है एकदम से तेज हो जाती है। इससे इस तरीके से आपको धीरे धीरे करनी है, 5 से 10 मिनट में आपके चाकू दोबारा से पहले जैसे हो जाएंगे एकदम तीखे। तो ये देखिए चाकू एकदम तेज धार वाला हो गया है। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स मेरा बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनके घरों में बच्चे हैं और स्पेशली अभी सीजन जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारी वाला चल रहा है। बुखार के बाद बच्चों को खांसी हो रही है और खांसी किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती है जल्दी से, तो बच्चे रात को सो भी नहीं पाते हैं खांसी की वजह से। तो आप ये वाले ट्रिक आजमा सकते हैं, तो मेरा आजमाया हुआ है, बच्चे आराम से सोते हैं, खांसी बिल्कुल भी नहीं होती। आपको क्या करना है, तवे पर नमक डाल देना है, जो डेली के खाने में हम यूज करते हैं वही नमक है, ये सेंधा हो आयोडीन हो कोई भी नमक हो, और उसमें आपको डाल देनी है 1 ढक्कन भर के अजवाइन और उसको आपको धीमी धीमी आंच पर अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक कि अजवाइन का आपको अजवाइन की खुशबू ना आने लगे, अजवाइन से धुआं ना उठने लगे। देखिए क्या होता है, नमक जो होता है वो अजवाइन को गर्म रखता है और अजवाइन बहुत ही गुणकारी होती है। इससे जब आप बच्चे की सिकाई करते हैं तो बच्चे के अंदर के जो कफ जमे हुए होते हैं पसलियों पर वो सब निकल जाते हैं और बच्चे को खांसी नहीं उठती है। अब आपको क्या करना है, कॉटन का इस तरीके का कोई भी मोटा कपड़ा ले लेना है और ये जो नमक अजवाइन आपने गर्म किए हैं इनको इस कपड़े में एक पोटली की तरह बांध लेना है। चाहे तो आप रबड़ बैंड की हेल्प से बांध लीजिए, चाहे तो इसी कपड़े की हेल्प से आप इसको पोटली के रूप में बांध सकते हैं। इसकी पोटली बना लीजिए इस तरीके से, ये देखिए। और बच्चे की आपको चेस्ट की सिकाई करनी है तो ध्यान रखना है ज़्यादा गर्म बच्चे को एक साथ नहीं लगाना है एक जगह पर, इस तरीके से चलाते हुए धीरे 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 आपको बच्चे की अच्छे से सिकाई करनी है रात को सोते टाइम। और सिकाई करने के बाद बच्चे के गले पर कॉटन का कोई भी कपड़ा अच्छे से लपेट दीजिए जिससे कि बच्चे के गले पर हवा ना लगे। आप जब ये तरीका अपनाएंगे कि देखेंगे बच्चे की 5 मिनट में ही खांसी बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपका बच्चा आराम से सो सकेगा। तो ये वाली ट्रिक बहुत ही खास है, बहुत यूजफुल है, मैं इसी को यूज करती हूँ। और नमक को आप 10 से 12 बार 15 बार यूज कर सकते हैं, जब आपकी अजवाइन का असर खत्म होने लगे तो आप अजवाइन दूसरी डाल लीजिए ताजी, क्योंकि अजवाइन का ही इसमें मेन रोल है। तो ये थे मेरे आज के टिप्स और ट्रिक्स, आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।